कुछ लोगों को सुबह उठते ही मितली मितली सी फील होने लग जाती है, बेचैनी सी महसूस होने लग जाती है। हालांकि ये तो होता है प्रेगनेंसी के कंडीशन में, लेकिन ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि प्रेगनेंसी ही एक जिम्मेदार होती है इन सब चीज़ों के लिए। बहुत सारे रीजंस भी होते हैं जिसकी वजह से हमें मितली सी फील होती है, बेचैनी सी फील होती है सोकर उठने के बाद। ये किसी भी उम्र के लोगों में, बच्चों में, बुजुर्गों में देखने को मिल सकती है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सुबह उठते ही हमें मितली मितली सी क्यों फील होने लग जाती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसका जो पहला रीजन हो सकता है वो हो सकता है थकान। अगर रात की आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, एक स्वस्थ मनुष्य के लिए 7 से 8 घंटे तक की नींद जरूरी होती है, लेकिन अगर ये नींद पूरी नहीं हो पाती तो आप लोगों ने फील किया होगा, जिस दिन हम सो नहीं पाते सही से उस दिन हमें आलस आलस सा फील होता है, हल्की सी बेचैनी सी महसूस होती है और कभी कभी मितली सी भी फील होने लग जाता है। और दूसरा रीजन जो हो सकता है वो हो सकता है डिहाइड्रेशन, जो कि मेन रीजन यही होता है। अधिकांशतर लोगों में डिहाइड्रेशन वाली ही प्रॉब्लम होती है। अगर आप पानी बहुत कम पीते हैं तो इसकी वजह से ये चीज़ देखने को मिल सकती है, मितली मितली सी होने लग जाती है। अगर बहुत ज़्यादा आपको मितली फील हो रहा है तो आप उसमें पानी पी लेते हैं तो कुछ देर के लिए ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। जो तीसरा रीजन हो सकता है वो हो सकता है एसिड रिफ्लक्स। अब ये एसिड रिफ्लक्स क्या होता है? जब हम खाना खाते हैं ना, तो खाना हमारे फूड पाइप से होते हुए हमारे स्टमक में जाता है। स्टमक और फूड पाइप के बीच में एक पतली सी वॉल्व पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं स्फिंक्टर। स्फिंक्टर का काम क्या होता है? जब हम खाना खाते हैं तो वो खाना को हमारे स्टमक के अंदर जाने देता है और वो वॉल्व जो होता है, स्फिंक्टर जो होता है, फिर बंद हो जाता है, जिससे कि हमारा खाना वापस से हमारे फूड पाइप में ना आ सके। स्फिंक्टर जो है वो किसी वजह से बंद नहीं हो पाता सही से, जिसकी वजह से हमारा जो खाना है वो ऊपर आने लग जाता है, या हमारे स्टमक में एसिड, एक एसिड बनता है जिसका नाम होता है HCL। तो स्टमक से वो एसिड हमारे फूड पाइप में आने लग जाता है, जिसकी वजह से हमें मितली सी फील होती है, बेचैनी सी फील होने लग जाती है। चौथा रीजन हो सकता है, आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, तब आपको ऐसा फील हो सकता है, बेचैनी सी महसूस हो सकती है और मितली मितली सा भी फील हो सकता है। और पांचवा रीजन हो सकता है हमारे सर दर्द से रिलेटेड और हमारी आँखों से रिलेटेड। जब हमारा सर दर्द होता है माइग्रेन या फिर किसी भी रीजन से, तब भी हमें बेचैनी सी महसूस होने लग सकती है सुबह और वोमिटिंग सी हो सकती है। और पांचवा रीजन हो सकता है सर दर्द या फिर माइग्रेन। अगर आपका बहुत ज़्यादा सर दर्द करता है, आपको चक्कर आता है, तो इसकी वजह से भी आपको बेचैनी सी और मितली सी फील हो सकती है सुबह सुबह। हमारे लाइफस्टाइल में बदलाव की वजह से या फिर इन रीजंस की वजह से हमें ऐसा फील होता है, लेकिन अगर आपको बहुत दिनों से ऐसा फील हो रहा है, बहुत दिनों से आपको वोमिटिंग से फील हो रही है, मितली मितली से फील हो रही है, तो आप एक बार डॉक्टर से जरूर मिले। ये हेल्थ इशूज हो सकते हैं कुछ, या पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको बेचैनी सी महसूस हो रही है, मितली मितली सी आ रही है, तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आप 1-2 गिलास पानी पी लो, देन उसके बाद आप बिस्तर पे पीठ के बगल लेट जाओ, कुछ इस तरह से आप लेट जाओ, तो 1-2 मिनट में ये वोमिटिंग, बेचैनी जो भी होगा वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये ख़त्म हो जाए तो हमें अपने आदतों में सुधार करना होगा, नींद पूरी लेनी होगी और खाना खाने के तुरंत बाद हमें कभी भी नहीं लेटना है। खाना खाने के बाद आप 10-15 मिनट चल फिर लो, देन उसके बाद आप सो, फिर उसके बाद आप पानी बहुत ज़्यादा पीना है आपको। पानी अगर आप ज़्यादा पीते हो तो हमारे शरीर में कभी भी डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, और सामान्यतः डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम से ही बेचैनी सी और मितली सी हमें होती है। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही हो। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।